तो इसके अंदर ना एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, जहां तक मुझे मुझे लगा है, ये राजनीति पूरी तरह से हावी थी इसके ऊपर। वरना 37 साल लगने का कोई मुझे इसके अंदर कोई कारण नजर नहीं आ रहा। मैं समझता हूं 1 साल से ज्यादा का केस होना ही नहीं चाहिए था ये। भाई दो धर्मों का मामला है, जबकि इस देश में, भारतवर्ष में, कोई भी धर्म आपस में नहीं लड़ता है। ये लोग लड़ाते हैं, ये लड़ाने का नाटक करते हैं या सचमुच भी लड़ाते हैं। कोई भी धर्म, अगर मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, ये फौजी जनता पार्टी के पास दिया होता है, या आगे के लिए भी मैं बोलता हूं, जनता को भी बोल रहा हूं, या जो सरकार में बैठे, कोई भी इतनी जो खतरनाक इश्यू है जिसको ये समझते हैं कि ये सुलझा नहीं, सर हमें दीजिए, हम 1 साल के अंदर सुलझाएंगे, बड़े प्यार से सुलझाएंगे। नमस्कार, एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं नाम है कोमल और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज हमारे साथ हैं फौजी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मेहर मलिक जी। मलिक जी, आपका हमारे हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद कोमल। सर, मेरा आपसे फैसला है कि कुछ दिनों पहले अयोध्या मंदिर के ऊपर फैसला आ चुका है, लेकिन अब वो फैसला सही है या फिर इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कोमल देखिए, ये कोर्ट ने अभी फैसला दिया है और कोर्ट के फैसले को मैं, उसके खिलाफ मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो कोर्ट ने जो भी किया अच्छा ही किया होगा, मुझे पूरा पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं न्यायालय के ऊपर मैं भी पूरा भरोसा करता हूं, हमारी पार्टी भी पूरा भरोसा करती है, हमें न्यायालय में पूरा विश्वास है। और शायद ये देश टिका है तो इसीलिए टिका है कि हमें न्यायालय से, हालांकि उस न्याय को भी ये लोग प्रभावित करने की कोशिश करते हैं सरकारें, जो कि बहुत दुखद है, लेकिन फिर भी हमें न्यायालय के ऊपर बहुत भरोसा है। तो जो डिसीजन आया है, डिसीजन मैं समझता हूँ कोर्ट ने ठीक किया, लेकिन इसके ऊपर कुछ सवालिया निशान, उस फैसले पर नहीं लेकिन इस सारी प्रक्रिया के ऊपर जरूर कुछ सवालिया निशान है, और वो सरकार के खिलाफ, वो मैं जरूर कहना चाहूँगा। कौन देखिए, 37 साल पहले बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, ढा दिया गया था 37 साल, और तब से ये काम कभी मिलजुल करके इसको निपटाने की बात कही है, कभी अदालत में चला है, हाई कोर्ट में चला है, सुप्रीम कोर्ट में चला है। तो इसके अंदर ना एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, जहाँ तक मुझे मुझे लगा है, ये राजनीति पूरी तरह से हावी थी इसके ऊपर। वरना 37 साल लगने का कोई मुझे इसके अंदर कोई कारण नजर नहीं आ रहा। मैं समझता हूँ 1 साल से ज़्यादा का केस होना ही नहीं चाहिए था ये। भाई दो धर्मों का मामला है, जबकि इस देश में, भारतवर्ष में, कोई भी धर्म आपस में नहीं लड़ता है। ये लोग लड़ाते हैं, ये लड़ाने का नाटक करते हैं या सचमुच भी लड़ाते हैं। कोई भी धर्म, अगर मैं कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं, ये फौजी जनता पार्टी के पास दिया होता है, या आगे के लिए भी मैं बोलता हूं, जनता को भी बोल रहा हूं, या जो सरकार में बैठे, कोई भी इतनी जो खतरनाक इश्यू है जिसको ये समझते हैं कि ये सुलझा नहीं, सर हमें दीजिए, हम 1 साल के अंदर सुलझाएंगे, बड़े प्यार से सुलझाएंगे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। देखिए कौन, ये आपस में बैठ के, अब जो ये कोर्ट से फैसला आ गया, मेरा उसके ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं ये कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए था। दो धर्मों का मामला है, कोई कह रहे वहां मंदिर था, कोई कह रहे मस्जिद था, जो भी था, मैं समझता हूं इस देश के अंदर इतना भाईचारा है, इतना प्रेम है कि आपस में हिंदू मुस्लिम बैठ के इसको निपटा सकते थे। अगर कोई इशू है, आज भी अगर कोई देश में पेंडिंग इशू है, तो मैं कहता हूं फौजी जनता पार्टी को दीजिए, हम सुलझा के दिखाएंगे प्यार से, कोई कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर। तो इसमें कोर्ट में जाने का, ये तो एक्चुअली मैं बताऊं कोमल, इसको ये भी निमट सकता था सरकारों की इच्छा शक्ति होती तो, लेकिन ये बेचारे इसी के ऊपर तो वोट मांगते हैं, इसी के नाम से तो वोट लेते हैं, ये तो कैसे निपटाएंगे अगर वो इन्होंने, अब देखिए अब इनको तो बड़े मुश्किल हो रही होगी कि अब आइंदा से वो किस चीज़ के ऊपर वोट मांगेंगे। अभी मंदिर बनवाने के ऊपर वोट मांगते थे, बनवाना था नहीं, 5 साल चले जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे, फिर मांगेंगे, तो ये तो इनकी राजनीति खत्म होगी एक किस्म से। जो भी कोर्ट ने फैसला दिया, मैं उसकी सराहना करता हूँ, अच्छा फैसला आया है, बट ये फैसला खुद जनता से मिलके और दोनों बरादरी बैठ के, दोनों भाईचारा बैठ के, हिंदू मुस्लिम, और बड़े आराम से, अभी देखिए फैसला आने से पहले इन्होंने पूरे देश में ऐसा माहौल बना दिया था कि पता नहीं क्या खून खराबा होगा, यहाँ पूरी दुनिया तैनात है, सब जगह फौज तैनात है, पुलिस तैनात है, सब जगह, कुछ तो हुआ नहीं है। तो ये ड्रामे करते हैं, देखिए जनता कहाँ भड़केगी कमल, जनता नहीं भड़कती है, जनता कभी भी गदर नहीं करती है, गदर ये लोग करवाते हैं, दंगे ये लोग भड़काते हैं, अपने आप जनता कभी दंगे नहीं करती है। हर आदमी को देखिए, हर आदमी अपना, कोई छोटा काम कर रहा है, कोई बड़ा काम कर रहा है, कोई गरीबी से जी रहा है, कोई जैसे, वो कैसे ना कैसे अपना समय निकाल रहे हैं, उनको कहाँ लड़ने की फुर्सत है, ये लोग लड़ाते हैं अपने वोट बैंक के लिए, और हम लोग जो है ना मूर्ख बन जाते हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं। तो कहीं गदर देखिए पूरा बड़े शांति के साथ निपट गई है, कोई कहीं भी कोई जरा सा भी, और मुस्लिम भाइयों ने यहाँ तक कहा है कि हम इस फैसले के खिलाफ अपील भी नहीं करेंगे। तो यानी वो कोई डर के थोड़े कह रहे हैं, उनकी भावनाएं हैं अंदर की, अब वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको किसी ने भड़काया नहीं है।
अगर ये राजनीति इसमें इन्वॉल्व हो जाती तो वो भी कहते नहीं नहीं हम अपील करेंगे, हम इसको मानते नहीं है, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। तो जो भी गदर होता है देश में, जितना भी ये दंगे फसाद होते हैं, ये सब राजनीति वालों के कराने से होते हैं, अपने आप जनता कभी नहीं कहती है। यहाँ तो कोई धर्म या कोई जाति वाले लोग सब बड़े प्यार से रहना चाहते हैं, लेकिन ये लोग रहने नहीं देते उनको। तो ये अयोध्या का फैसला जो भी आया गोबल, अब ये एक राहत है, राहत मिली है कि अब इनको इसके ऊपर राजनीति करने का मौका नहीं मिलेगा, जिसके इसके ऊपर बड़ी भारी राजनीति चलती थी और जनता भी बस बहक जाती थी। ये बहकाते हैं, जनता भी इनके पीछे लग जाती थी, सच्चाई को कोई देखता नहीं था कि भाई हम इसके पीछे लगे नहीं लगे। अरे कोई भी है, कहीं भी बन जाए, उसको मस्जिद बन जाए, मंदिर बन जाए, क्या दिक्कत है भाई? इधर मस्जिद बन गई, उधर मंदिर बन गया, उधर मंदिर हो गया, इधर तो कहीं भी कर लो, उसमें कोई फर्क नहीं है, और जनता को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इन लोगों को होती है, ये भड़काते हैं जनता को, नहीं नहीं मंदिर यहीं बनेगा। और हमेशा से इनका तो ये रहा था, मंदिर यहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन शुक्र है कि कोर्ट ने अब इसका फैसला दे दिया है, अब कम से कम एक राजनीति तो शांत हो गई, उस तरफ की राजनीति ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो अयोध्या का जो भी आया है, देर आया, दुरुस्त आया, मैं यही कहूँगा कोमल, लेकिन ये फैसला आपसी समझौते से हो सकता था, आपसी भाईचारे से हो सकता था, मिलजुल करके बैठ करके एक साल के अंदर इसका निपटारा हो सकता था, जिसमें 37 साल लगा दिए इन्होंने। तो बड़ी दुकानें चली इनकी इसके ऊपर, तो इन्होंने अपनी राजनीति की दुकानें चलाई हैं। तो जो भी हुआ है, मैं यही कहूंगा कि अंत में जो फैसला आया अच्छा आया। तो सर, इसमें जो मुस्लिम पक्ष को जमीन दी गई है, क्या उन्हें वो लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? नहीं, उनको ले लेनी चाहिए कोमल। मैं तो यही कहूंगा कि देखिए, ठीक है, अब जो भी लड़ाई थी, चाहे वो सीरियसली थी या प्यार से थी, जैसे भी थी, लेकिन वो मस्जिद बनाना चाह रहे थे हिंदू, वहाँ मंदिर बनाना चाह रहे थे। चलिए, कोर्ट का फैसला आ गया कि वहाँ मंदिर बनेगा, तो मस्जिद बनाने के लिए उनको जमीन लेनी चाहिए। उनको मैं अपने आपके थ्रू, आपके माध्यम से मैं अपील करूंगा उनको कि जमीन मना ना करें, क्योंकि वो कोई वैसे थोड़ी दी जा रही है कोई किसी, ये तो देश की तरफ से जमीन दी जा रही है, अदालत का फैसला है और वो देश की जमीन है, देश पर इनका भी हक है। हमारे मुस्लिम भाई भी इसी देश के नागरिक हैं, वो इसी धरती पर रह रहे हैं, इसी देश में रह रहे हैं, तो उनको जमीन ले लेनी चाहिए, मना नहीं करना है। कुछ लोग बीच बीच में मना कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ मना नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि मना करने का मतलब है कि हमारा आपस में कोई द्वेष है। हमारा तो कोई द्वेष नहीं है, हिंदू मुस्लिम का कोई द्वेष नहीं है। भाई मंदिर यहाँ बन जाएगा, कोर्ट ने बोला, अगर कोर्ट बोलती यहाँ मस्जिद बनेगी तो मस्जिद बन जाती, फिर वो मंदिर के लिए जगह दे देते, तो हिंदू हम मस्जिद में उसको मंदिर दूसरी जगह बना लेते। अब ये मंदिर यहाँ बन गया है, कोर्ट का फैसला आ गया, तो जमीन उनको ले लेनी चाहिए और वहाँ अपनी मस्जिद बनाओ, और सब मिलजुल के बनाएंगे, हिंदू भी लगेंगे उसको बनाने में, हम समझते हैं कि मंदिर बनाने में भी मुस्लिम भाई भी हमारे साथ लगेंगे, तो दोनों मिलजुल के बनाएंगे। कोई देखिए, शक्ति एक ही है, सब कुछ एक ही है, मान्यता हमारी अलग अलग है, वो अलग तरीका है उनका पूजा करने का, हमारा अलग है, बाकी शक्ति तो एक ही है। भगवान कोई अलग अलग सबके अलग अलग नहीं है, वो सिर्फ मानने का तरीका हमारा अलग है। तो उनको जमीन ले लेनी चाहिए, और ये फैसला जो भी आया, मुझे खुशी हुई है कि राहत हुई है, कम से कम इस नाम के ऊपर अभी राजनीति नहीं होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।